अगर माँ बच्चे को दो थप्पड़ भी मारती है तो प्रेम से मारती है। प्रेम का मार्ग जो है वो बीज में होता है, इसलिए बीज का तत्व है प्रेम का, और जगदम्बा से मिला है तो माँ के प्रेम से हम प्रभु के प्रेम को समझ सकते हैं कि हमारी एक माँ ही है, पार्थिव शरीर है उसका, सब पार्थिव है, तो भी उसका प्रेम एक कैसा है कि बुढ़े भी हो जाते हैं तो भी माँ की याद नहीं छूटती है कि माँ होती तो देखो आज ऐसा नहीं करती मेरी माँ। अब कभी कभी एक आध माँ खराब भी निकल जाती, पर अधिकतर बच्चे ही खराब हो जाते हैं, माँ का रिश्ता खराब नहीं होता। जो बच्चे अपने माँ को नहीं मानते हैं, उनको सताते हैं, उनका भी ये चक्र पकड़ता है। बुढ़ापे में माँ बाप को सताते हैं, उनका भी ये चक्र पकड़ता है। अपने माँ के प्रति श्रद्धा रखना, बाप के प्रति, पहले माँ के प्रति, क्योंकि बाप तो अपने से श्रद्धा करा ही लेता है, नहीं तो दो झापड़ मारेगा, वो तो नहीं छोड़ने वाला। बाप को कोई जवाब नहीं देता, माँ को तपड़ तपड़ जवाब देते हैं क्योंकि बिचारी माँ है। लेकिन जो अपनी माँ का मान करता है वो असली सहयोगी है। ऐसा मेरे साथ भी करते हैं ना, मेरे को बहुत सताते हैं क्योंकि मैं किसी को मारती पीटती नहीं हूँ, इसलिए मेरे को सताते रहते हैं। लेकिन मैं मजा देखती हूँ, तो कितनी देर सताओगे तुम, फिर तो ठीक करना ही पड़ेगा। फिर पकड़ गया माँ मेरा सराय, मैंने कहा अच्छा अभी पकड़ गया क्या, अभी ठंडे बैठो जरा, बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे थे मेरे साथ। उसके बाद में हृदय का चक्र में मैंने बताया, हृदय में मैंने कहा कि शिव जी का तत्व है और उससे ऊपर का जो चक्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, जो कंठ में यहाँ पीछे में होता है। जबकि मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली तब ये चक्र स्थित हुआ है, ये श्री कृष्ण का चक्र, राधा कृष्ण, ये विराट का चक्र, ये विराट पूरा के पूरा विराट बना है। इस सारे विराट में आप छोटे छोटे एक 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 सेल, लेकिन अभी तक आपको अंदाज नहीं है कि आप एक छोटे सेल हैं और वो बड़ा सेल है। जिस वक्त आप पार हो जाते हैं तब आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाता है, आप भी विराट हो जाते हैं। ये विराट का चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी दो साइड है, लेफ्ट और राइट साइड। राइट साइड में राजसिक माने जिसको हम कह सकते हैं कि राइट साइड जिसकी प्रकृति है उसे रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, और जिसकी लेफ्ट साइड पकड़ती है उसको विष्णु माया का करना चाहिए। माने यह कि जो राजकारण में लोग झूठ बोलते हैं उनका राइट साइड बहुत ज्यादा पकड़ेगा, और लेफ्ट जिसका पकड़ता है उसको यह कि उसको माँ बहन का अकल नहीं होती। लेफ्ट की शुद्धि वाले को माँ कौन बहन कौन जिसको अकल नहीं होती है उसका यह पकड़ता है। हर एक औरत को जरूरी देखना चाहिए, गया उसका लेफ्ट की शुद्धि जरूर पकड़ेगा। या जो आदमी अपने को बहुत गिल्टी महसूस करता है, अरे मैंने तो ये भी दोष कर दिया, हर समय रोते रहना, उसका भी पकड़ता है। मैं बड़ा दोषी हूँ, उसका भी पकड़ता है। ऐसे अनेक चीज़ें हैं। और फिजिकल इसमें जिसको जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, उसका राइट साइड पकड़ता है। इसी से ब्रोंकस वगैरह जो चीज़ें हैं उसकी बीमारियाँ चलती। या मंत्रों का उच्चार करने से ये चक्र हमेशा पकड़ता है, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं, उनको कैंसर ऑफ द थ्रोट लिखा हुआ है। कभी आएंगे मेरे पास, आते हैं, उसको कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। गलत अनधिकार मंत्र बोलने से कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। उससे ऊपर का जो चक्र है, कृष्ण के चक्र के बारे में जितना कहो सो कम है। इसकी 16 सप्लेक्सेस हैं, और जो 16,000 उनकी बीवियाँ थी वो उनकी 16,000 नाड़ियाँ थी जिन्होंने जन्म लिया था संसार में। बहुत बड़ी चीज़ है, कृष्ण को बताने के लिए एक बार पूरा लेक्चर दूंगी, फिर बताऊंगी कृष्ण के बारे में। विष्णु का कृष्ण रूप जब यहाँ हो जाता है तो बाप का विराट का संबंध हो जाता है। इसलिए हम जब तक ऐसे हाथ नहीं करते आप पार नहीं हो सकते। आप संबंध विराट से हो रहा है, हाथ से, क्योंकि यहाँ पर वही चक्र संबंधित होता है। और जब आप दूसरों पे हाथ चलाते हैं तब विराट खुश होते हैं, दूसरों का भी संबंध विराट से होता है, हाथों से ही होता है। उसके बाद ये चक्र है बहुत महत्वपूर्ण है,
जो कि ईगो और सुपर ईगो दोनों को ही कंट्रोल करता है। हालांकि ईगो और सुपर ईगो दोनों ही यहीं से विशुद्धि से ही शुरू होते हैं, पर कंट्रोल किया जाता है आज्ञा चक्र से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे अंदर सूर्य तत्व है, या कहना चाहिए कि यह हमारे अंदर में तेज तत्व है, तेजस्विता इससे आती है। इसलिए माथा हमेशा खुला रखना चाहिए, आदमी का माथा हमेशा खुला रहना चाहिए। आजकल फैशन चलिएगी ये बंद करो, ये सब मूर्खपना की निशानी तो नहीं है, लेकिन ये भूतपना की निशानी। भूत लोग के ऐसे ही बाल होते हैं, आपने देखा होगा कभी भूत का चित्र कोई बनावे तो ऐसे ही बाल होते हैं। भूत बन के घूमने से भूत ही आएंगे। अरे भाई, भूत को भी भूत भूत में ही तो बैठेगा। आज्ञा चक्र की जो पकड़ होती है वो इस तरह के लोगों से आते जो बालों का झुपका बना के घूमते हैं। बाल हमेशा साफ रखने चाहिए, माथा हमेशा खुला रखना चाहिए। और ये माथा बड़ी भारी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, इसको सबके सामने झुकाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जाते हैं और माथा झुकाते हैं किसी भी गुरु के सामने, इसको इस पेशानी को किसी के सामने नहीं झुकाना चाहिए। जब तक तुम कुछ उससे पाने लो कभी नहीं झुकाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पार हो जाओ फिर मेरे पैर पे आओ, इससे झगड़ा नहीं। लेकिन तुम लोग को शौक है पैर पे आने का तो मैं क्या करूँ। माथा उसी के वहाँ झुकना चाहिए जहाँ परमात्मा का वास है, नहीं तो कहीं भी माथा नहीं झुकाना चाहिए। सब ने यही बताया है हमको, तो देखो कोई भी आया उसी के चरण में, सिवाय अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों के, सबके सामने माथा झुकाने की जरूरत है। लेकिन ये गुरु घंटालों के वजह से तो समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ लोग माथा झुकाते चलते हैं। और अगर ये पकड़ गया ना चक्र तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है आज्ञा चक्र, क्योंकि इस पे विराजते हैं महाविष्णु, जो कि कृष्ण के पुत्र हैं और जिन्होंने संसार में अवतार लिया है, उनका नाम है जीसस क्राइस्ट। जो क्रॉस है वो यही क्रॉस है, इसको उन्होंने लांग दिया। वो संसार में आकर के उन्होंने कृष्ण की बात सिद्ध कर दी, नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। कृष्ण ने कहा कि ये जो आत्मस्वरूप है ये किसी भी चीज़ से नष्ट नहीं होता है। उसकी सिद्धता ईसा मसीह ने अपने ज़िंदगी में पुनरुत्थान करके, रिजरेक्शन करके सिद्ध कर दी। ईसा मसीह ये ईसाइयों का नहीं है, अपना ही है, सबका ही है, किसी ने ठेका नहीं ले रखा। और इसका मंत्र जो है, जो लॉर्ड्स प्रेयर है, इसका मंत्र है। और आज्ञा चक्र को ही ज़्यादातर लोग छूते हैं, ये दुष्ट लोग जितने भी हैं। ईसा मसीह को पहले ख़त्म करो, क्योंकि उससे बढ़कर कोई भी जाज्वल्य देवता आज तक संसार में नहीं हो, क्योंकि ये गणेश जी का तत्व है। गणेश गणेश साक्षात है, पीछे में गणेश है तो सामने में ये है, एक ही रुपये के दो हिस्से, गणेश का स्वरूप है। क्योंकि गणेश से बढ़ के तो कोई देवता है ही नहीं, तो सब लोग इसी को पहले खराब करते हैं। चलो आज्ञा पे ही हाथ लगाओ, जिसको देखो वो गुरु गणेश को छूता है। किसी को भी अपने आज्ञा पे हाथ मत लगाने देना, जब तक पार नहीं हो जाओगे तुम समझोगे नहीं, बड़ी टेरेबल चीज है। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।